होप आप लोग सब अपने अपने घरों में बहुत अच्छे होंगे। क्लास आप लोगों ने अपना दशहरा एंजॉय करा होगा। जो भी आपके एग्जाम्स थे आप लोगों ने वो एग्जाम्स बहुत अच्छे से अटेम्प्ट करे होंगे। आई होप आप लोग सब अच्छे अच्छा स्कोर करें आपके एग्जाम्स में। सो क्लास आज से हम दोबारा से हम टीचर्स की तरफ से आप लोगों को दोबारा से वीडियोज़ आएंगी जो आप लोगों के ग्रुप्स पे आती हैं। आप लोगों ने वो अपने अपने ग्रुप्स पे चेक करना है और दोबारा से ही सारी रीडिंग करनी है बुक्स की जो हम पढ़ाएंगे, जो मैं आपको पढ़ाऊंगी आप लोगों ने वो अपना अपना घर पे अच्छे से रीड करना है। एंड सेकेंड थिंग क्लास, किसी बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम तो यू कैन आस्क मी, आप लोग इजिली मेरे से पूछ सकते हैं। जो भी प्रॉब्लम हो हम आपकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करेंगे। सो क्लास ऑल ऑफ यू टेक आउट योर इंग्लिश बुक्स। आप लोग सब जल्दी जल्दी से अपनी इंग्लिश बुक निकालो एंड टेक आउट चैप्टर नंबर 8 पेज नंबर 49 थैंक यू फ्रेंड। आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 8 थैंक यू फ्रेंड। फ्रेंड
को आप कॉल करो या बात करो आपको सलूशन मिलता है। तो कहने का मतलब है कि वो सच्चा दोस्त होता है जो आपकी मुश्किल में आप लोगों की मदद करता है, वही सच्चा दोस्त कहलाया जाता है। सच्चा दोस्त कौन सा होता है क्लास? जो आपकी मुश्किल की घड़ी में, मतलब आप किसी मुसीबत में हो, आपको कोई परेशानी है, आप अपने फ्रेंड से बात करते हो, वो आपको उस बात का मतलब बताता है, उस चीज का सलूशन देता है, उस मुसीबत का हल देता है कि आप ऐसे करो तो आपकी जो प्रॉब्लम है खत्म हो जाएगी। तो जो एक रियल फ्रेंड, एक आपका ट्रू फ्रेंड, सच्चा फ्रेंड वही होगा जो आपको आपकी मुसीबत में हेल्प करेगा। तभी बोला जाता है अ फ्रेंड इफ नीड, अ फ्रेंड इन नीड, जो दोस्त को जरूरत हो इज अ फ्रेंड इन नीड, वो दोस्त जिस दोस्त को मुसीबत में जरूरत हो और उसका जो एक सच्चा दोस्त है उसका साथ दे, वही हमारा एक सच्चा फ्रेंड कहलाता है। ठीक है क्लास, तो ये चीज आप लोग आगे से ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं। It means a true friend is one who helps you in a difficult time. मैंने अभी आप लोग को यही समझाया, यहाँ इंग्लिश में लिखा है, मैंने आपको हिंदी में ट्रांसलेट किया कि इसका मतलब true friend वही friend होता है जो आपको मुसीबत के time साथ दे। मतलब जरूरी नहीं है आप उसे रोज बात करो, रोज उसके साथ मतलब उसके साथ खेलो या रोज उसे कॉन्टैक्ट में रहो, रोज उसके घर जाओ। But the matter is कि जब आप मुसीबत में हो वही दोस्त आपके काम है, तो इट इज अ ट्रू फ्रेंड। दिस स्टोरी आल्सो प्रूव्स इट राइट। ये जो स्टोरी हम पढ़ेंगे आगे, ये स्टोरी भी बिल्कुल इस बात पे बिल्कुल 110% एप्लीकेबल है कि जो दोस्त मुसीबत में हो और वो उसका एक रियल दोस्त, सच्चा दोस्त उसको काम करे, उसको मुसीबत से बाहर निकाले, तो वो सबसे सच्चा दोस्त है। इन दिस स्टोरी इट इज डिस्क्राइब, इस स्टोरी में डिस्क्राइब गया है that how three friends save their fourth friend from a difficult situation by using their clothes. अब इसमें बताया गया कि कैसे तीन फ्रेंड थे रूम में, कैसे अपने फोर्थ फ्रेंड को, जो उनका एक फ्रेंड एक मुसीबत में फंस जाता है, कैसे उसको उस मुसीबत से बाहर निकाला, वो आप इस स्टोरी में पढ़ेंगे। अपनी क्लेवरनेस से, मतलब अपना चलाकीपन से, क्लेवरनेस मतलब अपने चलाकीपन से उसको कैसे उन्होंने बाहर निकाला, तो ये आपको यहाँ पर बताएंगे। क्लेवरनेस मतलब चलाकीपन से, एक क्लेवर होते हैं चला, क्लेवरनेसनेस मतलब होता है चलाकपन, कि जब आपके अंदर कुछ आप ट्रिक के साथ, वो चलाकी नहीं कि आप किसी को, आप किसी के साथ गलत करो या किसी के साथ बुरा करो, वो वाला चलाकीपन नहीं, क्लेवर बढ़िया से ट्रिक के साथ कि कैसे आप उसको वहां से बाहर निकालो और सामने वाले को पता भी ना चले, तो इसमें इसका मीनिंग ये है। तो इस पूरी स्टोरी में हम पढ़ेंगे कि कैसे तीन एनिमल्स ने अपने, कैसे तीन फ्रेंड ने अपने फोर्थ फ्रेंड को जो मुश्किल में फंस गया था, कैसे उसको उस मुश्किल से बाहर निकाला अपनी चलाकी से, अपने ट्रिक से, कि जो भी फंसाने वाला मैन था उसको पता ही नहीं चला। ठीक है क्लास, तो आप एक बार प्लीज ये छोटी सी ग्रीन वाला पार्ट दोबारा से अच्छे से रीड करो, फिर हम आगे चलते हैं। ओके क्लास, यहाँ तक रीड करो एक बार, आपके पास 2 मिनट्स है, आप लोग यहाँ तक रीड करो, फिर हम लोग आगे चलते हैं। ओके,
रीड करा क्लास, रीड इट टिल हियर, फिर हम आगे चलते हैं क्लास। अच्छे से रीड करना ताकि आप लोगों को पूरी स्टोरी समझ में आ जाए। चलिएगा क्लास, चलिए आगे अब हम रीड करना स्टार्ट करते हैं। लेट अस स्टार्ट रीडिंग। चलिएगा आगे। वंस अपॉन अ टाइम, एक बार की बात है, मतलब एक बार की बात है। इन अ फॉरेस्ट, एक जंगल में, देयर लिव्ड फोर फ्रेंड्स, एक जंगल में चार फ्रेंड्स रहते थे। कौन कौन थे? अ माउस, एक चूहा, अ क्रो, एक कौवा, अ डियर, एक हिरन, अ टॉर्टोइस, एक कछुआ। तो एक बार की बात है, एक फॉरेस्ट में कितने फ्रेंड्स रहते थे? फोर फ्रेंड्स रहते थे, अ माउस, अ क्रो, अ डियर एंड अ टॉर्टोइस। एक चूहा रहता था, एक कौवा रहता था, एक डियर रहता था और एक टॉर्टोइस रहता था। ठीक है, दिस इज अ स्टोरी ऑफ हाउ दे हेल्प्ड ईच अदर अगेंस्ट देयर बिगेस्ट एनिमी मैन। ये स्टोरी आपको बताती है कि कैसे उन चारों ने मिलकर एक दूसरे के लिए, मतलब एक के एक दूसरे के साथ मिलकर कैसे मैन के अगेंस्ट लड़ा, मतलब हम इंसानों के अगेंस्ट लड़ा। क्योंकि हम कई बार गलती कर देते हैं क्लास, हम मतलब कुछ एनिमल्स होते हैं जिनको हम अपने घर में कैद करके रखते हैं अपने शौक के लिए, बट हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। तो लिखा हुआ है ना, दिस इज अ स्टोरी ऑफ हाउ दे हेल्प ईच अदर। ये एक कहानी है कि कैसे इन लोगों ने एक दूसरे की मदद करी अगेंस्ट देयर बिगेस्ट एनिमी, अपने सबसे बड़े दुश्मन। एनिमी का मतलब होता है क्लास हिंदी में दुश्मन। आप लोग लिखना नहीं, बट मैं आप लोगों को सिर्फ समझाने के लिए लिख रही हूँ, दुश्मन। ठीक है, लिखना नहीं है, बस मैं समझाने के लिए आपको बता रही हूँ कि एनिमी का मतलब होता है दुश्मन। देखो पीछे इसका आंसर भी, अ पर्सन हु हार्म्स, जो इंसान हम लोगों को हार्म कर सके, हम लोगों को नुकसान पहुंचा सके, उनको हम क्या कहते हैं? एनिमी का इंग्लिश में मतलब है अ पर्सन, एक ऐसा व्यक्ति हु, जो हमें नुकसान पहुंचा सकता है। अ पर्सन हु हार्म्स, उसको हम क्या बोलते हैं? एनिमी। क्या बोलते हैं उसको हम? एनिमी। एनिमी को हिंदी में बोलते हैं दुश्मन, इंग्लिश में बोलते हैं पर्सन हु हार्म्स। लिखना नहीं है क्लास, जस्ट आप लोगों ने समझने के लिए देखना है। ठीक है, आगे चलते हैं। तो उससे बोला है, वंस अपॉन अ टाइम, एक बार की बात है, इन अ फॉरेस्ट, एक जंगल में, देयर लिव्ड फोर फ्रेंड्स, एक जंगल में चार फ्रेंड्स रहते थे, अ माउस, अ क्रो, अ डियर एंड अ टॉर्टोइस, एक चूहा, एक कौवा, एक हिरन और एक टॉर्टोइस, मतलब एक कछुआ। तो दिस इज अ स्टोरी ऑफ हाउ दे हेल्प ईच अदर अगेंस्ट देयर बिगेस्ट एनिमी मैन। और ये स्टोरी है इन चारों के बारे में कि कैसे इन चारों ने मिलकर अब से सबसे बड़े दुश्मन हम इंसानों के खिलाफ कैसे इन लोगों ने। वन डे, एक दिन की बात है, द माउस, एक चूहा, द क्रो, एक कौवा एंड द डियर, एक हिरन, वर सिटिंग अंडर अ ट्री एंड टॉकिंग। एक दिन की बात है, ये तीनों अब ट्री के नीचे बैठ के बात कर रहे थे। कौन कौन बात कर रहे थे? अ क्रो, द डियर, मतलब एक चूहा था, कौवा था और एक क्या था आपका, डियर था, हिरन था। ये लोग ट्री के नीचे बैठ के एक दूसरे से बातें कर रहे थे। सडनली, उसी टाइम एकदम से, दे हर्ड अ स्ट्रेंज नॉइज, उसी टाइम इनको एकदम से ना स्ट्रेंज नॉइज, मतलब एक अजीब सी आवाज़ सुनाई थी जो कि बड़ी डरावनी सी लगी। इट वॉज देयर फ्रेंड, और उनको लगा ये तो भाई हमारा दोस्त है, द टॉर्टोइस, ये कौन है? हमारा दोस्त टॉर्टोइस, कछुआ। ही वॉज ट्रैप्ड इन अ हंटर्स नट, और ये किसमें ट्रैप हो गया? हंटर के नट में। किसमें ट्रैप हो गया? जो हंटर होते हैं, जो आप जो शिकार करते हैं जानवरों का, उनको हम इंग्लिश में हंटर कहते हैं, हिंदी में उनको शिकारी कहते हैं। तो हंटर ने उसको नेट में फंसा लिया, अपने जाल में। किसको फंसाया? टॉर्टोइस को। तो एक दिन क्या हुआ, जब माउस, क्रो और डियर ट्री के नीचे बैठ के बातें कर रहे थे, तो उनको सडनली से एक अजीब सी आवाज़ सुनाई दी और
और जैसे उन्होंने सवाज को पहचाना तो उन्होंने कहा ये तो हमारा फ्रेंड है टॉर्टाइज, और ये टॉर्टाइज जो है एक हंटर के मतलब एक हंटर की नेट में फंस गया है, जो एक मैन है उससे अपना जाल बिछा, उस जाल में कौन फंस गया, हमारा फ्रेंड टॉर्टाइज। ठीक है क्लास, यहाँ तक समझ में आया, यहाँ तक रीड करो आप लोग सब, ऑल ऑफ यू रीड इट टिल एंड क्लास। आप लोगों को अच्छे से समझ में आए। ओके क्लास, चलिए तो आगे चलते हैं। अभी तक हमने पढ़ा, अभी हमने जो पढ़ा हम उसको दोबारा से रिवाइज करेंगे। हमने पढ़ा कि यू मस्ट saying that a friend is in need is a friend indeed, जो friend आपकी मुसीबत में help करे वही आपका true friend है, वही आपका क्या है, true friend है। It means a true friend is one who helps you in a difficult time, इसका मतलब true friend वही होता है जो आपकी मुसीबत में help करता है, जो आपकी मुसीबत में help करता है, आपका true friend वही होता है। This story also proves it, right? और ये जो story है, ये जो कहानी है, ये इस बात को बिल्कुल applicable है, इस बात को बिल्कुल सच साबित करती है। In this story, इस story में it is described that how three friends saved their fourth friend from a difficult situation by using their cleverness. और कैसे चार friend ने मिलके, ये story आपको बताती है कि कैसे मिलके अपने पांचवें फ्रेंड की जान बचाई, अपनी एक चला अपनी ट्रिक से कैसे उसकी जान बचाई। सो वंस अपॉन अ टाइम, एक टाइम की बात है, इन अ फॉरेस्ट, जंगल में, एक जंगल में देयर लिव्ड फोर फ्रेंड, वहां पर चार फ्रेंड्स रहते थे, कौन कौन से, अ माउस, अ क्रो, अ डियर एंड अ टॉर्टोइस। तो आपके चार फ्रेंड्स रहते थे वहां पर। दिस इज अ स्टोरी ऑफ हाउ दे हेल्प्ड ईच अदर अगेंस्ट देयर बिगेस्ट एनिमी मैन, और ये एक स्टोरी है कि कैसे चार लोगों ने, वो चार दोस्तों ने अपने पांचवें फ्रेंड की जान बचाई, सबसे बड़े दुश्मन किससे, हम इंसान जानवर ये सोचते हैं कि हम इंसान उनके सबसे बड़े दुश्मन हैं, बिकॉज हम उनको नुकसान पहुंचाते हैं। तो क्लास, कभी भी कोई भी आपका कोई भी बर्ड हो या कोई भी आपका के आसपास हो, अगर उसको चोट लगी हो या उसको कुछ भी प्रॉब्लम हो, अगर हेल्प हो सके तो पॉसिबली उसकी हेल्प करनी चाहिए हम लोगों को। ये नहीं कि उसको मारना चाहिए, उसको और हर्ट करना चाहिए, पॉसिबल हो सके तो हमें उसकी हेल्प करनी चाहिए, उसको मेडिसिन देनी चाहिए, या उसको अगर भूख लगे तो हमें उसको खाने के लिए देना चाहिए, ठीक है ना। तो हमें हमेशा एनिमल्स की हेल्प करनी चाहिए, कभी भी उनको नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। तो वन डे द माउस, द क्रो एंड द डियर वर सिटिंग अंडर, और एक दिन जब माउस, डियर और क्रो पेड़ के नीचे बैठ के दूसरे से बातें कर रहे थे, सो सडनली दे हर्ड अ स्ट्रेंज नॉइज, और एकदम से उनको एक स्ट्रेंज नॉइज सुनाई दी। ही वॉज इट वॉज देयर फ्रेंड, और वो कौन था, उनका फ्रेंड था जिसकी नॉइज उन लोगों को सुनाई दी थी, द टॉर्टाइज,
उसका क्या था नाम? टॉर्टाइस। ही वाज ट्रैप्ड इन अ हंटर्स नेट। और वो कहाँ ट्रैप्ड हो गया था, कहाँ फंस गया था? एक हंटर के नेट में फंस गया था, एक शिकारी के नेट में फंस गया था। ठीक है क्लास, यहाँ तक आप पढ़े अच्छे से, भी आप लोगों ने यहाँ तक रीड करना है। किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो ठीक है, यहाँ तक अच्छे से इसको रीड करो क्लास, ताकि आपको एक एक चीज समझ में आए अच्छे से।